नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरजी बिहार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मंजरी। आज की बड़ी खबर, बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुखिया चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए 2 सितंबर से नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसी बीच बिहार के गया जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक भावी मुखिया उम्मीदवार को बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की बात सामने आई है। मामला गया जिले के नैली पंचायत का है। यहां नैली पंचायत के पूर्व मुखिया के बेटे तरुण यादव को बलात्कार के झूठे केस में फंसाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला को 10,000 रुपए का लालच देकर उससे रेप का झूठा केस कराया गया है। गया की महिला थाने के प्रभारी रवि रंजना ने इस पूरे मामले को पर्दाफाश किया है। महिला थानाध्यक्ष रवि रंजना ने बताया कि गैंगरेप के अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि अधिवक्ता के बहकावे और पैसों के लालच में आकर गैंगरेप का झूठा केस दर्ज कराया गया था। वहीं महिला को उसके पति के साथ उसके घर झारखंड भेज दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि जिस महिला ने शिकायत की थी उसने खुद ही यह कबूल किया है कि अधिवक्ता श्रवण कुमार ने गैंगरेप की पूरी साजिश रची थी। झूठा केस करने के एवज में 10,000 रुपए देने का लालच दिया गया था। आपको बता दें कि बीते 12 अगस्त को मुफल्लिस थाना क्षेत्र के एक महिला ने जमीन दिखाने के नाम पर तरुण यादव और एक अन्य पर ब्रह्मयोनी पहाड़ के समीप पुराने घर में ले जाकर गैंगरेप करने की प्राथमिकी महिला थाना में दर्ज कराई थी। झूठा केस करने के एवज में 10,000 रुपए देने का लालच दिया गया था। बता दें कि मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने गया कोर्ट में महिला को धारा 164 के बयान दर्ज कराया था, साथ ही उसका मेडिकल जांच भी कराया गया था। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आरजी बिहार न्यूज के साथ।